Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू कश्मीर में कई दिनों बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 50 से कम हुआ है। शुक्रवार को पिछले 24 घंटों में 43 मरीजों की मौत हुई। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 3,465 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 3,848 और लोगों के संक्रमण की पुष्टि होने से अब तक 2,63,905 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि शुक्रवार को रिकॉर्ड 4,466 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2,10,547 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में शुक्रवार को ब्लैक फंगस से पहली मौत पर हड़कंप मच गया है। पुंछ जिले का 40 वर्षीय मरीज 2 दिन पहले जीएमसी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हुआ था। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। सरकार ने इस बीमारी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें कहा है कि कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस चेहरे, नाक, साइनस, आंख और दिमाग में फैलकर उसे नष्ट कर देती है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना लें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी उपायुक्तों को भविष्य में कोविड-19 व इस जैसी किसी घातक बीमारी फैलने से रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, जांच और कोविड केयर सेंटरों का प्रभावी प्रबंधन ही संबंधित अधिकारियों की कार्य क्षमता के आकलन की कसौटी होगा, इसलिए टीकाकरण में तेजी लाई जाए। वे शुक्रवार को कोविड टास्क फोर्स और उपायुक्तों व एसएसपी के साथ बैठक में कोरोना से निपटने के लिए लागू उपायों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गाँव में संक्रमण रोकने के लिए प्रत्येक पंचायत में 5 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर की स्थापना के लिए न्यूनतम समय सीमा तय करने पर जोर दिया। ये सेंटर पहले दूरदराज इलाकों में बनने चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को ग्रामीण क्षेत्रों व घरों में आइसोलेट लोगों के लिए निशुल्क टेली सेवा शुरू कर चिकित्सा संबंधी परामर्श देने की व्यवस्था बनाने के लिए कहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार भी ये जरूरी है कि मरीजों को फोन पर डॉक्टरी सलाह देकर जिला अस्पतालों का बोझ कम किया जाए। जम्मू जिले में संक्रमण दर 10% से कम होकर 7% से नीचे आ गई है। लॉकडाउन से संक्रमण दर में सुधार से प्रशासन ने हालांकि राहत की सांस ली है, लेकिन फिलहाल प्रशासन किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने ये जानकारी साझा करते हुए कहा कि जिले में संक्रमण दर 10% से 7% से नीचे आ गई है, लेकिन जांच में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही। पहले रोजाना जिले में 6,000 लोगों की कोरोना जांच हो रही थी, लेकिन अब रोजाना 7,500 टेस्ट हो रहे हैं। जो एहतियात हम सभी लोगों ने रखी है उसे और ज्यादा आगे तक मेंटेन करने की जरूरत है, ताकि ये पॉजिटिव एक जो सिलसिला चला है वो आगे तक बरकरार रहे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से टेस्टिंग के ऊपर खास ध्यान अभी भी दिया जा रहा है। इनफैक्ट अर्बन एरियाज के साथ साथ बराबर की तवज्जो हमारे रूरल एरियाज में भी दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 120 वर्ष की उम्र में वैक्सीन लगवाने वाली रामबन जिले की धोली देवी समाज के लिए मिसाल बन गई है। वह अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगवाकर कोरोना को मात देने के लिए जागरूक कर रही है। उनकी इस कोशिश का ही नतीजा है कि उनसे प्रेरित होकर अब उनका पूरा गांव कोरोना से जंग के लिए उठ खड़ा हुआ है। अब हर व्यक्ति अपनी बारी आने पर खुद टीकाकरण सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए 120 साल की आयु में वैक्सीनेशन करवा कर समाज के लिए मिसाल बनी 120 धोली देवी को सेना की उत्तरी कमान ने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने घर जाकर सम्मानित किया। कोरोना महामारी के बीच समाज के प्रति मदद का हाथ बढ़ाते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने संक्रमितों तक निःशुल्क खाना पहुंचाने का फैसला किया है। चैम्बर ने कहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल या अन्य किसी अस्पताल में
कोरोना संक्रमित व उनके तीमारदार इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा चैम्बर घरों में आइसोलेट कोरोना मरीजों को भी निःशुल्क खाना पहुंचाएगा। इसके लिए चैम्बर को हर दिन दोपहर 1 बजे तक सूचित करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौजूदा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ना लगभग तय है। जम्मू जिले में 29 अप्रैल को लॉकडाउन लगा था, जो अभी 24 मई की सुबह 7 बजे तक लागू है, लेकिन ऐसी पूरी संभावना है कि शनिवार को उपराज्यपाल कार्यालय से इसे 1 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने पर फैसला आ जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो लॉकडाउन से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कुछ हद तक कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर की सराहना करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई रूप बदलने वाले धूर्त वायरस के खिलाफ है। इससे बच्चों को बचाकर रखना है। हमारे सामने अब ब्लैक फंगस की चुनौती भी है। हम मिलकर इससे लड़ेंगे और हराएंगे। कोविड 19 के प्रसार रोकने के लिए अभी गाँव पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए नया मंत्र है, जहाँ बीमार वहीं उपचार। आने से यहाँ RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। लद्दाख प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू ले में 7 जून व कारगिल जिले में 31 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सुसेनी शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात पर उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद जिले में 2 सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का आदेश दिया। शुक्रवार को कारगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवा ने भी जिले में कोरोना कर्फ्यू को 24 से बढ़ाकर 31 मई तक करने का आदेश दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या किसी ने की होगी, वो अलाउड अभी आगे से नहीं होगी। तो आप टेस्ट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, जो NIC ले NIC हमारी साइट है डिस्ट्रिक्ट की, उस पर लिंक अवेलेबल है। वहाँ पे हम आवरली बेसिस पे असिस्ट करते हैं कि जो एप्लीकेंट है उसकी क्या डिमांड है और हमारी लॉकडाउन की गाइडलाइन में वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसको देख के हम पासेस इशू करें और करेंगे आगे।